मुस्लिम समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम के दौरान 9 अगस्त मंगलवार को दुर्ग भिलाई शहर में निकाले जाने वाले ताजिया अखाड़ा के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात विश्वास चंद्राकर की उपस्थिति में बैठक हुई। अखाड़ा कमेटी के अध्यक्षों एवं सदस्यों के मध्य ताजिया निकालने के मार्ग, ताजिया निकालने का समय एवं ताजिया अखाड़ा के साथ चलने व रहने वालों की संख्या के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। मुहर्रम को लेके एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुर्ग, भिलाई, छावनी और रिसाली क्षेत्र के मुहर्रम कमेटी के सदस्य गण आए थे, पदाधिकारी गण आए थे। उनके साथ चर्चा हुई, जो भी उनकी समस्याएं हैं, शासन की जो अपेक्षाएं हैं, उन पे बात हुई और आपस में सहमति बनी और उसके अनुसार शांतिपूर्ण और सुविधापूर्ण तरीके से मुहर्रम का जो ताजिया है वो निकाला। इस संबंध में कमेटी का भी स्पष्ट रूप से कहना था कि कोई भी सदस्य किसी प्रकार से हथियार लेके उधम नहीं करेगा और इस प्रकार कोई करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है। सर, ग्रैंड एशियन के माध्यम से शहर वासियों से अपील कर दीजिए कि शांतिपूर्ण ढंग से। मैं सभी जनों से अपील करता हूँ कि शांति व्यवस्था, आपस में सद्भाव प्रेम बनाए रखें और ताजिया जो एक पर्व है उसको अच्छे से मनाए और प्रेम सद्भाव बनाए रखें। कंट्रोल रूम में पुलिस प्रशासन के साथ मुहर्रम कमेटी और शहर के जितने भी नुमाइंदे मुस्लिम समाज के वो बैठे थे। एक रूपकता तैयार की गई कि रूट प्लान किया गया और मुस्लिम समाज ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का बोला है और समाज अपने समाजवासियों से ये अपील करता है कि कोरोना को देखते हुए भी कृपया करके अपने साथ मास्क लेकर आएँ और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा और अच्छे से इस बार मुहर्रम मनाया जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से, यही अपील करते हैं सभी। इस मसले में शासन से आश्वासन दिया गया है कि जो लोग अखाड़ा लेकर अपना तो तरवाल वगैरह अखाड़े में बांध के चलते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग हाथ में बाइक में लेकर हथियार चलेंगे उनसे प्रशासन कार्रवाई करे कि तलवार वगैरह गाड़ी पे लेकर भीड़ में लेकर ना चले, अखाड़े में बांध के ही चले। हमारे यहाँ सुपेला क्षेत्र के और फरीदनगर क्षेत्र से जो ताजिया निकलती हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ही शांति के साथ और मास्क लगा करके अखाड़ा और ताजिया में चले। दूसरी बात ये है जो हमें प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है जो सुपेला चौक का जो क्षेत्र है उस पर थोड़ा ध्यान दे दें और सुपेला का जो इमामबाड़ा है वहाँ आसपास गड्ढे भी खोद दिए गए हैं, उस पर भी पहले उन लोगों ने स्लैप लगाया था वो सब टूट टाट गया है, उसको सही कर दें जिससे आजकल परेशानी ना हो।